केसरी जगबानी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मेरे साथ मंत्री भारत भूषण आसू हैं। इनसे बात करेंगे कि किस तरीके का विकास इन्होंने अपने हलके में करवाया है, क्योंकि विरोधी अलग अलग आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने डेवलपमेंट नहीं कराया है। तो इनसे बात करते हैं सर, किस तरीके से देखते हैं सर? जो जिम्मेवारी लोगों ने दी थी, कोशिश की वो पूरा करने की। लुधियाना शहर में जो 30-40 साल से ये सोच बन रही थी भी यहाँ डेवलपमेंट कब होगी, कब बड़े प्रोजेक्ट आएंगे, वो सोच हमने ज़मीन पे कैसे उतारी, उसको लुधियाने को डेवलपमेंट करने के लिए एक प्लेटफार्म दिया। यहाँ आर ओ बी, आर यू बी, वैलीज, पार्क्स, बहुत प्रोजेक्ट चल रहे हैं, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, सब पे काम हो रहा है। तो आज अगर ये काम करना विरोधियों के लिए अखर रहा है तो उनके पास बहुत टाइम रहा पहले, वो भी बताएं लुधियाना वालों को कि हमने ये किया और हम ये कर सकते हैं। हमने जो किया वो हमारा प्रोफाइल है, और जो करेंगे वो हमारा विजन है, जो हमारी सोच है वो लोगों को बताएंगे, और उसके ऊपर जो लोग फैसला करेंगे वो सिर माथे। मंत्री साहब, कहीं ना कहीं एक कोई भी इंसान होता हो उसको लगता है कि मैं अगर कुछ बनूंगा तो अपने हलके में ये काम करूंगा। ऐसे मंत्री बनने से पहले आपकी थिंकिंग रही होगी कि अगर मैं मंत्री बनूंगा तो अपने हलके में क्या सबसे पहले करूंगा और किस तरीके से बनाऊंगा, तो जो चीज़ें वो आपने सोचा था वो पूरा हो चुका सर? दोस्त, ये चीज़ें तो कर दी, शुरुआत हो चुकी है डेवलपमेंट की, लोग उसको देख भी रहे हैं। अगर उसमें कोई खामियां हैं तो मैं पूछता रहता हूं, हमें बताइए, क्योंकि ये जो चीज़ें हो रही हैं ये लोगों के लिए हो रही हैं, उनकी सहूलियत के लिए हो रही हैं। अगर कुछ कमी रहती तो हम उसको दुरुस्त भी करते हैं। तो आज जो लुधियाना में एक विकास का, डेवलपमेंट का जो चक्का शुरू हुआ है, ये आगे स्पीड पकड़ेगा। लोग चाहते होंगे कि और तेज़ी से डेवलपमेंट हो, तो वो हमें ज़रूर इस बार भी मौका देंगे। आप क्या कहना चाहेंगे अपने जो अपने हलके के लोगों को, क्योंकि इलेक्शन 20 फरवरी को डिसाइड हो चुका है, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या काम बाकी है जो अपने इलाके के लोगों को आश्वासन देना चाहते हैं? मेरी तो बिल्कुल सोच क्लियर है, जो कुछ आपसे कमिट किया था वो करने की कोशिश की। अब आपसे यही कमिटमेंट है, जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं इनको पूरा करना, नए प्रोजेक्टों का जो हमने प्लान कर रखा है उसको शुरू करवाना। जितने प्रोजेक्ट लुधियाना में आए हैं, चाहे लुधियाना के जितने कोर इश्यूज थे, यहाँ की डेवलपमेंट, यहाँ की ट्रैफिक, यहाँ का बुढ़ा नाला, हमने सबके ऊपर काम शुरू किया और सबके रिजल्ट धीरे धीरे आने वाले हैं। और हमारी कोशिश रहती है जो प्रोजेक्ट शुरू हो वो टाइम बाउंड तरीके से पूरा हो, उसकी समय सीमा जो हम निर्धारित करते हैं तकरीबन उसके अंदर चले। कुछ ये कोविड वगैरह के कारण मुश्किलात आते हैं, काम थोड़ा थोड़ा रुकता है, पर हमने फिर भी कोशिश की है कि सारे प्रोजेक्ट समय सीमा के अंदर रहें। हमारा बुढ़ा नाला जब वो आज से सवा साल बाद पूरा होगा, उसका प्रोजेक्ट चल रहा है, काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, हर 15 दिन बाद मॉनिटर भी होता है, उसकी मॉनिटरिंग कमेटी बनी हुई है, वो प्रोजेक्ट बिल्कुल उसमें कोई कमी ना रह जाए। बाबा जी सतगुरु नामधारी जो मुखी हैं वो उसको मॉनिटर करते हैं, उनके नीचे कमेटी बनी हुई है, उसमें हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट और एनजीओस के लोग हैं, लोगों की निगरानी में लुधियाना की डेवलपमेंट हो रही है। अगर कोई वैलीज बनती हैं, अगर कोई पार्क्स बनते हैं, अगर कोई एलिवेटेड रोड बन रही है, अगर आर ओ बी, आर यू बी बन रहे हैं, नए पुल बन रहे हैं, जहाँ जहाँ जो जो ज़रूरत है हमने वो प्लान कर रखा है। कुछ पे काम चल रहा है, कुछ पे काम शुरू होने वाला है। अगर हम बात करें पश्चिमी हलके के, तो जितने भी कैंडिडेट हैं अलग अलग पार्टियों को फाइनल हो चुके हैं, और वो तकरीबन जितने भी कैंडिडेट हैं कहीं ना कहीं आपके ऊपर कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, उसको किस तरीके से देखते हैं? सभी बहुत सम्माननीय हैं, मैं सबका बहुत सत्कार करता हूँ। उन्होंने जो बोलना है वो उनका किरदार है, जो उनकी सोच है वो बताता है। मैं किसी के ऊपर कुछ नहीं बोलने वाला, सबका अपना अपना कोई ना कोई हिस्ट्री रही होगी, वो बताएं उन्होंने सोसाइटी के लिए किया है या वो क्या करना चाहते हैं। मेरे को देखना चाह रहे हैं तो मेरे को तो लोग देख ही रहे हैं, मैंने गलत किया ठीक किया लोग देख लेंगे, उनको बोलने की ज़रूरत नहीं है। उनको ये बताना चाहिए, हम उनका और हमारा मकसद एक ही है, लुधियाना को डिवेलप करना, लुधियाना के लोगों को सहूलियत देनी, उसके ऊपर ज़्यादा बहस होनी चाहिए। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं मंत्री साहब का कहना है कि जितना भी मैंने वादा किया था अपने हलके से वो तकरीबन पूरा हो चुका है। राजेश गौतम, जगबानी टीवी, लुधियाना।